एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी गायकी और हमारे वादन, हमारे संगीत की वाह वाही हो, है ना, और ऑडियंस जो है वो तारीफ करे और उन्हें पसंद आ जाए। तो हम ऐसा क्या करें कि उन्हें पसंद आ जाए, तो वो क्या चीज होती है उसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। हुस्न जितना है गाहे गाहे में, हुस्न जितना है गाहे गाहे में, कब मुलाकात बार बार में है। गाहे गाहे यानी कभी कभार, फरह शहजाद का शेर है। गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। अमीर मीनाई साहब का शेर है, गाहे गाहे यानी कभी कभार। दरमियां दूरी हो तब ही नज़दीकियों की होती है अहमियत, दरमियां बीच में दूरी हो तब ही नज़दीकियों की होती है अहमियत, वगरना यानी वरना, वगरना कुर्बत की आदत यानी करीबी की आदत, वगरना कुर्बत की आदत कीमत कम कर देती है अक्सर। ये मेरा लिखा हुआ शेर है। आपने देखा कि इन तीनों शेरों में, इन तीनों कपलेट्स में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ कैसे हमारे संगीत से रिलेटेड होती है वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस शेर को कनेक्ट कर देता हूँ कि कैसे वो शेर कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने अगर उन शेरों को समझा है तो उसमें क्या बताया गया है कि रोज़ रोज़ अगर आप उसके उससे मिले जुलें तो आपकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, खासियत नहीं रहती। खासियत तभी रहती है जब कम कम हो, कभी कभार हो, है ना। अगर रोज़ ही आपके घर में मटर पनीर बनने लग जाए तो मटर पनीर की खासियत क्या, आपको वो पसंद क्यों आएगा, है ना। तो दाल रोटी हमको क्यों आम लगती है, क्योंकि दाल रोटी जो है हमारे घर में रोज़ बनती है, हमको लगता है यार इसमें क्या खास है। अगर वो कभी कभार बनने लगे तो उनके लिए वो खास हो जाए। जैसे विदेश वाले अगर यहाँ आ जाएँ और उन्हें रोटी सब्जी मिल जाए और दाल रोटी मिले तो उनके लिए तो मज़ा आ जाता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो खास क्यों है, क्योंकि वो कम मिलती है उन्हें। तो जो चीज़ कम होती है वो खास होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो रेयर है, प्रेशियस उसी को कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संगीत से ये चीज़ कैसे रिलेट होती है। हम क्या करते हैं जब गायकी करते हैं या वादन करते हैं या तबला वादन करते हैं या नृत्य कर रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ें जो बड़ी तैयारी की हैं, जो बड़ी वाहवाही की हैं, उन्हें बचा बचा के नहीं देते हैं। हम अक्सर यूं कर देते हैं कि उन्हें यूं परोस देते हैं, हम सबके सामने यूं फैला देते हैं, इसीलिए वाहवाही नहीं मिलती है। आइए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को समझते हैं क्या होता है। अब जैसे एक बहुत प्लेन चीज़ चल रही है ना, बहुत सादगी भरी आप कुछ गा रहे हैं और अचानक आपने कोई मुर्की ले दी या हरकत ले दी या कोई ऐसी चीज़ ली, तो सामने वाला बोलेगा आह क्या बात है, क्या बात है। उस चीज़ पे निकलता है जो अचानक थोड़ा सा कुछ होता है। अगर आपकी पूरी गायकी में मुर्कियाँ ही मुर्कियाँ हैं, सरगमें ही सरगमें हैं, है ना, हरकतें ही हरकतें हैं, कोई क्यों उस पर वाह करेगा, मज़ा ही नहीं आया ना। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऐसा एलिमेंट, ऐसी चीज़ जिसको देख के लगे आह ये क्या हो गया अचानक, आप उसको देख के अचंभित होते हैं। अगर हर इमारत ताजमहल हो तो हमारे मुँह से वाह नहीं निकलेगा, है ना। एक ताजमहल एक ही है, तो जो चीज़ एक है, जो कीमती है, वो कम है, कम है तभी उसकी कीमत है, है ना, तभी उसमें मज़ा है। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसको कहते हैं। जब आप गायकी कर रहे हों तो अपनी मुर्कियों, अपनी हरकतों, अपनी सरगमों को ऐसे पेश कीजिए, अपनी कम बचा के रखिए, वो आपकी खास चीज़ें हैं, है ना, तो उनको ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि वाह निकले। अगर आप हर लाइन में मुर्की घुसा देंगे सामने वाले के मुँह से वाह ही नहीं निकलेगा, है ना। आप जब तबला संगत कर रहे हैं किसी की, तो आप अपना बजाए जा रहे हैं हर बात पे त्रिकट, कोई लग्गी लगा दी, कुछ कर दिया, क्यों सामने वाला वाह करेगा। जब आपको मौका मिला और आपने तब लगाया तो जो मज़ा आएगा, सामने वाला बोलेगा अरे वाह क्या बात है, है ना, कि एकदम सादगी चलती रही और अचानक से कुछ लगा दिया, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज में ही तो मज़ा है, है ना। वरना हम प्रिडिक्ट कर लें, है ना, कि यार यही होगा अब तो, है ना, ये अभी चार बार तो सेम हरकत लगा चुका है, पांचवीं बार इसकी यही हरकत आएगी, तो फिर क्यों कोई वाह करेगा, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली, अगर मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ, जैसे आप टॉपिक तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कम हो तो अच्छा है, है ना, कि मुलाकात अगर रोज़ रोज़ हो जाए तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। उसी तरह वो मुर्कियाँ, हरकतें, वो आपकी स्पेशलिटी जो चीज़ें हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना,
समझिए ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी खाने की थाली है, उसमें गुलाब जामुन दो हो तब उनका मजा है, थाली ही अगर गुलाब जामुन से भरी है तो क्या मजा है ना। फिर आपको लगेगा यार क्या भर दिया है, कैसे खाओ इसको, तो है ना। तो रोटी सब्जी थोड़ा थोड़ा सा अचार कहीं पड़ा है तो उसका फिर एक अलग ही जायका है ना, उसमें मजा ही अलग है ना। और थोड़ी सी नमकीन कहीं हो, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा कर देंगे, जाहिर बात है अति हर चीज़ की बुरी होती है ना, अच्छी नहीं लगती हमको जो एक्सेस है ना। हम एक्सटेंट्स पे ही वर्क करते हैं कि बहुत ज़्यादा करेंगे या तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये एक्सटेंट्स पे मत जाइए, मिडल रही है, बीच का रही है, बैलेंस्ड जो है उसमें मजा है ना, जो कभी कभार आए है ना। जैसे गाते गाते तुम्हारे साथ भी तन्हा हूं, तुम न समझोगे समझोगे न समझोगे। तो ये हल्की सी हरकत थी, आपने देखा हो न समझोगे, हल्की सी है ना। तुम्हारे साथ, अब इतना एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, भी तन्हा हूं तुम ना समझोगे, तुम ना, इतनी एक्सेस मैंने नहीं हरकत हर जगह लगा दी, तो रस खत्म हो जाता है ना। जो गायकी का रस है या जो वादन का रस है वो कहाँ आता है, जब हम बैलेंस्ड वे में हरकतें मुर्कियां उनको बचा बचा के पेश करें तब तो मजा है। वो हमारे इक्के हैं भाई, इक्के क्या बोलते हैं, हुक्म के इक्के हैं, तो उन्हें ऐसे ही नहीं अब कहीं कहीं भी फेंक दिया भाई, बारी पे फेंकिए फिर देखिए है ना। जिसको कहते हैं मौके पे चौका लगाना, तभी तो मजा है, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तभी बनेगा। ये मैं हर चीज के लिए कह रहा हूँ, गाने के लिए भी, बजाने के लिए भी, और नाचने के लिए भी, ये है तबले के लिए भी, हारमोनियम के लिए भी, और भी किसी इंस्ट्रूमेंट्स में, मैं संगीत की बात कर रहा हूँ है ना। और जिंदगी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं खैर इसे, मगर मैं संगीत की बात करूँ तो वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और कभी कभार आपको देना है वो एक छोटी छोटी चीज़ है, तब मज़ा आएगा सामने वाले को, ठीक है। तो अब मैं और कैसे समझाऊं इसे, अगर मैं तीन तल लगा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चलो अभी बजा के तो नहीं बता सकता, बट आपको ऐसे ही ठेका मुँह से बता दूँ, तो जैसे ठेका चल रहा है, धा धिन कृधिन दिन दा तिट धा कृधिन धिन दिन दा तिट धा तिन कृधिन तिन ताक तिट धिन दिन ना धा तिट किट धा धिन। तो ये बड़ी बैलेंस्ड सी चीज़ें लगा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि धा कृधिन धिन धिन दा किट धा कृधिन धिन धिन दा धा गिन धा त्रकृतिन कृतिन तिन तारा किट त्रकृतक धा त्रकृतक धा त्रकृत धा 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 कृतिन धा त्रकृतक धा त्रकृत धा। अब यही आप करते रहेंगे, इतने तिरकिट धिरकिट और कड़धा तिरकिट ये लगाएंगे तो गाने वाला गाएगा कब, है ना। तो उसका भी तो ख्याल रखना है भाई, सामने वाले को पचाने भी तो दो, ये भी चीज़ का ख्याल है कि आपने वो चीज़ कह तो दी, कर तो दी, सामने वाला पचा ही नहीं पाया, उससे पहले आपने फिर दे दी, तो मज़ा कैसा है ना, समझ रही है। उसको तरसाइए, प्रिडिक्ट ना कर ले कि आप तो अगली यही लगाओगे, हाँ प्रिडिक्ट में मज़ा नहीं है, आप खुद सोचिएगा इसको। सरप्राइज कब होते हैं हम, जब हमें पता ही नहीं होता है कि हो गया अचानक। अगर हमें पता है कि अगला यही होने वाला है तो हम वाह क्यों करेंगे, है ना। कि अचानक गायकी करते करते आपकी जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे सब तक नहीं जा रही, तो सामने वाले को पता है ये उधर ही जाएगा, लेकिन करते करते आप अचानक नीचे आ जाओ, है ना। जो काकू प्रयोग है वो ये कि आप हर बार लगा रहे हो तो मज़ा कैसा, हरकतें ही भरी पड़ी हैं आपके गाने में बजाने में, तो मज़ा कैसा, है ना। इस चीज़ का ख्याल रखें और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को समझें, कि जो लुत्फ है, जो हुस्न है, वो गाहे गाहे में ही है, कभी कभार में ही है, हर बार में नहीं है, है ना। कि आप बार बार अगर उस चीज़ को करें तो उसमें कदर नहीं है, उसकी कदर होगी नहीं, आप खुद देखिएगा ज़िंदगी में आपको मज़ा नहीं आएगा संगीत में भी, ठीक है। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को, एंड ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा।